हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, दो पेपर मिले हुए हैं ना, सेशन 2023 टू, तो पेपर वन हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया था। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से कराने वाली हूँ। 10th तक के अपलोड है चैनल पर, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहे हैं, अ बैग कंटेन सिक्स रेड बॉल एंड फाइव ब्लू, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल ब्लू बॉल्स आपके पास फाइव हैं, फाइव ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, और नंबर ऑफ बॉल्स दोनों मिला के कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो हैं 11। तो 5/11 इसका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, दो लीनियर इक्वेशन है। वट टाइप ऑफ लाइन विल इट्स ग्राफ रिप्रेजेंट, तो उसका ग्राफ कैसी लाइन बनाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन तो इंटरसेक्टिंग वाले केस में ही तो होते हैं, इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई, ट्राइंगल से एन एंगल ए एंड एंगल सी आपको गिवन है 45 एंड 55 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ई। देखो आपको ये एंगल ए 45, अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ ये दोनों सिमिलर गिवन है, तो मैंने नाम दे दिया ए बी सी और इसको नाम दे दिया मैंने डी ई एफ। तो मुझे एंगल ए गिवन है 45 और एंगल सी गिवन है 50, तो पहले मैं यहां से एंगल बी निकाल लेती हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंगल बी कि जितना एंगल बी होगा उतना ही तो एंगल ई होगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल्स भी इक्वल होंगे ना। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 5 + 4 9 और एक 10, 100 डिग्री आ रहा है इन दोनों। 180 से माइनस करूंगी तो यहाँ 80 आ जाएगा, तब एंगल ई भी 80 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एक ट्राइंगल के तीनों 180 होता है, दो एंगल पता थे तो पहले एंगल निकाल लिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है आपसे, अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब एन आर्क 17.6 सेंटीमीटर इन लेंथ, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम की लेंथ आपको बतानी है। पेंडुलम आप लोगों को पता होगा कुछ ऐसा होता है, ये होता है पेंडुलम। तो ये तो मेरी रेडियस हो जाएगी, ये मुझे क्वेश्चन में जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, लेंथ ऑफ द आर्क मुझे दे रखी है ये 17.6। ये पेंडुलम की लेंथ निकालनी है, मतलब ये निकालना है एक तरीके से आर निकालना। बहुत आसान है, लेंथ ऑफ आर्क का अपना ही एक फॉर्मूला होता है, चैप्टर नंबर 12 का ये क्वेश्चन है आपके, होता है थीटा अपॉन में 3 पाई आर। ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ द आर्क मुझे 17.6 दे रखी है या मुझे 30 दे रखा है, 2 ऐसी है, पाई की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 22/7 और आर ये रहा, 0 से 0 कट गया, 3 को काटा 12 पे कट हो गया, अब तो इसको काट दिया 6 आ गया, तो आप पे बचा कितना, यहाँ लिख देती हूँ मैं 17.6 1/6 बचा 22r/7। आपको r की वैल्यू निकालनी है तो r को यहीं छोड़ दो, तो 7 इधर आ जाएंगे मल्टीप्लाई के, 22 इधर। ठीक है, अब आप क्या करो, या तो सबको पहले मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अगर आप 176 से कट करो हो जाएगा, पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 लगा दो, कट कर दो, 8 पे कट हो रहा है। ठीक है, अब देखो 8 × 6 × 7 कर लो तो आपके पास आ जाएगा 3/10, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 14, लेंथ ऑफ द पेंडुलम आपकी कितनी आ गई, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कह रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन लग रहा है, वांट्स टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर उसे फाइंड करनी है, यही बी सी फाइंड करना होगा एक तरीके से, कि टावर यही दिख रहा है यहाँ पर। इफ सॉरी ही मेजर्स एंगल ए एस 10 A, इसको बोला कि ये वाला जो एंगल है वो है 10, हो जाएगा 3/4 आपको दे रखा है। वट इज द हाइट ऑफ द टावर, ए इज 40 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, तो टावर का बेस है उससे 40 मीटर की दूरी पे है ए पॉइंट। ये तो आपको बी सी फाइंड करना है। देखो जो 10 A है, अगर हम देखें वो होता क्या है, मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है,
10A मुझे 3/4 दे रखा है, परपेंडिकुलर मेरा BC है, और बेस मेरा यहाँ पर कितना 40, तो अभी फिलहाल AB लिख देती हूँ, AB लिख दो या BA लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। ये 3/4 आपके पास ऐसी ही है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3/4, BC तो मुझे फाइंड करना है, AB मेरे पास कितना है 40 है, तो इससे काटा तो 10 आ जाएगा, यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करती है, ये आ गई यहाँ पे 30 मीटर। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो अगेन आज की क्लास में अपने 5 और क्वेश्चन हमने कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 11 से तक के, बाकी के क्वेश्चन क्लास में करने, कहीं भी 5 क्वेश्चन कमेंट करके, तो आपको अच्छी लगे लाइक जरूर, साथ भी वीडियो जरूर शेयर।